आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो चलो स्टार्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है देखो, बुक के अकॉर्डिंग देखो दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर। नीचे आपके चार पांच पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। उसने कहा ईच नंबर को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई में ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर से कुछ याद आया, ठीक है। अगर आपको प्राइम फैक्टर नहीं पता है तो राजे हमने इसका इंट्रो पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। आपको ऊपर दिख रहा होगा आई बटन, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। हमने इसको एक्सप्रेस करना है, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्या है 140, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 समथिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग किससे करनी है हमने, 2 से, ठीक है। 2 से डॉट होगा, बिल्कुल होगा, 70 आएगा, ठीक है। 14 को डिवाइड कर 2, 7, 0 का 0, फिर 2 से होगा, ठीक है। इसका आएगा 35, ठीक है। 7 पे नहीं जाता, 6 आता है, 3 पे 1 बच गया, तो 10 के साथ 10 बच जाएगा, तो 5, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिक्कत हो तो आप इसको सिंपल ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना आ रहा है 35, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो। अब 35 किस पे कट होगा, किस पे डिवाइड होगा, इसमें से कौन आता है 2 के बाद, 3 पे तो होगा नहीं, किस पे 5 पे, तो 5, 5, 7, 75, 7, 7 से कट होगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर था, 140, उसके कौन से फैक्टर आ गए, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम, तो 2 का स्केयर लिख लेते हैं, इसको 5 × 7, आप चेक कर सकते हो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होगा, उसको हमने प्राइम नंबर के फ्रैक्शन में लिखना है, तो लिख दिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 156, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में फ्रैक्शन में लिखना है, सॉरी फैक्टर में लिखना है, तो 2 से डिवाइड होगा। अजय आपको क्या पता ये नंबर किस से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है। तो अजय इसके लिए होता है एक विजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, उसकी वीडियो आपको मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे चलता है पता है किससे डिवाइड होगा, ठीक है। अभी एक बार सीधा यहाँ से देख लो, आपको उसकी वीडियो में अलग कर दूंगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, इसका आएगा 78, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हो, अगर किसी भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप सिंपल मेथड से डिवाइड कर सकते हो। 7, 2 = 14, 1 ऊपर से आया 6, 8, 2 = 16, कितना आ गया 78, ठीक है। इसको फिर 2 से करेंगे, 39 आएगा, ठीक है। फिर 3 से होगा ये, और 2 से नहीं होगा, 13 आएगा। 13 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, ये 13 से ही कट होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमें 156 नंबर दिया था, इसको हमने लिख दिया 2 × 2 × 3 × 13, 2 टुकड़े मारे हैं, तो उसको हम 2 का स्केयर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें एक कंपोजिट नंबर दिया था, उसको हमने प्राइम फैक्टर में लिख दिया, ये 2, 3, 13, ठीक है, ये प्राइम नंबर ही हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब आ रही है थर्ड पार्ट की, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या दिया, नंबर दिया हमें 3825, ठीक है। तो देखो ये बड़ा नंबर है, अब क्या पता ये किसे डिवाइड हो, छोटे नंबर तो हम सोच लेते हैं ना ये दिख जाता है, अभी क्या पता किसे डिवाइड होगा, ठीक है। ये 2 से नहीं होगा, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड तब होता है जब लास्ट पे 2, 4, 6, 8, 0, जब लास्ट पे ये नंबर हो ना तो 2 से डिवाइड होता है, इसमें ये है ही नहीं, तो 2 से तो होगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये नंबर ये 3 से डिवाइड होगा,
कैसे पता चला ये आपको मैं वीडियो दूंगा, तब तो आपको अच्छे समझ आएगी। ठीक है, 1 2 7 5 इतना आएगा सॉल्यूशन करके। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हो 3 8 2 5 3 से, 3 1 3 ऊपर से आया 8, 3 2 6 2 ऊपर से आ गया 2, 3 7 21 ऊपर से आ गया 5, 3 5 15 इतना आ गया। ठीक है, अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 25 ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, कितना आएगा। ठीक है, मुझको मैथड माइंड में है इसलिए मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं पता तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, 4 1 2 7 5 इसको 3 से किया, 3 4 12 ऊपर से आ गया 7, 3 2 6 ऊपर से आ गया 5, तो 3 5 15 ठीक है, ये इतना आ गया इसका। ओके राजे, यहाँ तक क्लियर है? तो ये नंबर देखो अब 4 2 5 ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद ये 3 के बाद क्या आता है 5 से कट करेंगे। ठीक है, तो 8 5 ठीक है, क्लियर है? अब ये फिर 5 से जाएगा, आ जाएगा 17 तो है पहले नंबर, ये 17 पे। ठीक है राधे, तो नंबर क्या था हमारे पास 3 8 2 5 इसके मल्टीपल में आ गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17 जो नंबर डबल है सेम है उसको कितनी बार 3 2 टाइम तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है 2 टाइम 5 का स्क्वायर एन 2 17 तो क्या किया हमने, हमने एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन में लिख दिया। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की, उसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, क्या है देखो, ठीक है, अब ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये 5 से होगा, 5 से कट करते हैं 1 0 0 1 ठीक है, क्लियर आ जाए। उसके बाद ये नंबर 5 से अब नहीं होगा, अब 7 चेक करते हैं होता है या नहीं होता। ठीक है, 7 1 7 3 0 7 4 28 2 1 7 3 21 ठीक है, अब ये 7 से डिवाइड हो गया, कितना आया 143 ठीक है, क्लियर है? अब फिर से करते ये नंबर 7 से होता है या नहीं होता। ठीक है, 143 7 7 2 14 3 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 7 के बाद क्या आता है 11, तो 11 से क्या करते हैं 143 को 11 11 1 11 3 ऊपर से आ गया 3, 11 3 33 डिवाइड हो गया कितने पे 13 पे। ठीक है, तो 11 13 से डिवाइड मतलब इसको डिवाइड कर दिया 13 पे, अब 13 है ही पहले नंबर, ये 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है राजे, क्लियर है? तो इसके कौन कौन से फैक्टर आके देखो, 5 0 0 5 5 × 7 × 11 × 13 अब कोई नंबर डबल है ही नहीं है, सभी एक एक हैं, तो ये आपका आंसर, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। पेपर में आपने ये सॉल्यूशन करके दिखानी है। ठीक है, पेपर में करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 7 4 2 9 ठीक है राजे, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बता दूंगा 3 से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 के बाद देखते हैं, ये 5 पर भी नहीं होगा, ये 7 पर भी नहीं होगा। ठीक है, 11 से भी नहीं होगा ये। ठीक है, 13 से भी नहीं होगा, 70 से चेक करते हैं राजे। ठीक है, 17 4 68
कट गया यहाँ बचा, 4 में से 8 नहीं जाते इससे लगा कैरी, ये 6 यहाँ बन गया 14, 14 में 8 गए 6, ठीक है, ऊपर से आ गया 2 नीचे, क्या तो 17 थ्री जा 51, बच गया 11, ऊपर से आ गया 9, 17 सेवन जा 190, ठीक है, कितना आ गया 437, कितने पे किया 17, ठीक है राजे, ये 17 पे कट किया, 17 पे होगा, ठीक है राजे, आपको बता दूंगा भी 17 पे कैसे आया, आप सोचो कोई मतलब सर ने सीधा ही बता दिया, ठीक है, इसका भी एक मतलब मेथड है, इनसे मैंने चेक कर लिया था हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं 17 पे होता है या नहीं होता, 17 2 34 यहाँ बचेगा 9, ऊपर से आ गया 7, 17 5 85 वाला बच गया, इससे नहीं होगा, ठीक है, अब इससे नहीं होगा, उसके बाद कौन सा नंबर आता है, कौन सा 19, ठीक है, तो 19 से चेक करते हैं, ठीक है, 19 2 38 बच गया 5, ऊपर से आ गया 7, 19 3 57 ठीक है, 19 पे कट हो गया, ठीक है, तो ये 19 से कट किया और 12 कितना आ गया 23, ठीक है राजे, अब 23 कौन सा नंबर है, ये है ये खुद प्राइम नंबर, ये किससे डिवाइड होगा 23 से ही होगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास कौन सा नंबर था 7429, हमने इसको 17 × 19 × 23 नंबर सिंगल है डबल तो है नहीं, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास ये कंपोजिट नंबर था, इसको हमने प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में लिख दिया, ठीक है, तो ये हमने ये पांचवे पार्ट कर लिए, ठीक है, किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत आई हो प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है राजे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ठीक है, तो इस वीडियो के बाद हम आपको सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन 1 बाय 1 प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।